हे गाइस, सो कल चेन्नई सुपर किंग्स सामना करने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद का। दोनों टीम्स का हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स बैक टू बैक तीन मैचेस हार चुका है, वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद भी बैक टू बैक अपने दोनों मैचेस हार चुका है। तो ये बात तो अब कंफर्म है कि चलो कल आई एम श्योर दोनों में से एक टीम होगी जो अपना मैच जीतेगी। इस मैच के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स को क्या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, लगातार वो मैचेस हार रहे और वो भी दो मैचेस ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच था, तो कितने चेंजेस चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर लास्ट मैच के बारे में बात करें तो बहुत बुरी तरह से हारी सुपर किंग्स, 180 रन बनाए पंजाब ने और सिर्फ 126 बना पाई चेन्नई सुपर किंग्स और ऑल आउट भी हो गई, मतलब 10 के 10 विकेट गिर गए, वो भी तब जबकि चेन्नई का बैटिंग लाइनअप इतना डीप है। अब इस मैच में हमें क्या चेंज देखने को मिल सकता है, तो देखो सबसे पहले तो जो ओपनर्स हैं रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, ऑब्वियसली उथप्पा गायकवाड़ इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, उथप्पा खेलेंगे एंड गायकवाड़ तीनों मैच में फ्लॉप हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चेन्नई सुपर किंग्स हार रहा है। बट लास्ट सीजन भी सेम ही हुआ था, उससे पहले भी सेम ही हुआ था कि ऋतुराज गायकवाड़ अपने पहले तीनों मैचेस में रन नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी चेन्नई जीत रहा था, लेकिन इस बार नहीं जीत रहा है। आई होप कि इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ रन बनाएंगे और चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगा भी। मोइन अली दोनों मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए, आई होप कि इस मैच में रन बनाएंगे, लास्ट मैच में तो डक किया था उन्होंने, जीरो पे आउट हो गए थे। देन बात करें अंबति रायुडू, वो भी खेलेंगे। नंबर 5 पे हमें रविंद्र जडेजा देखने को मिलेंगे एंड नंबर 6 पे हमें शिवम दुबे देखने को मिलेंगे, जिन्होंने दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, बैट से दोनों मैचेस में हाफ सेंचुरी स्कोर किया है, आई होप कि इसको वो कंटिन्यू करेंगे। देन महेंद्र सिंह धोनी भी ऑब्वियसली हमें खेलते हुए दिखेंगे। अब इसके बाद चार और हमारे पास प्लेस है, नंबर 8, 9, 10, 11, यहाँ पर मेरे हिसाब से हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। देखो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जो महेश तिक्षणा है, जो श्रीलंकन स्पिनर, उनको लेके आया जाए, वो एक एक्स फैक्टर का काम कर सकते हैं। अभी जैसे आप करेंटली देखो राजस्थान रॉयल्स की टीम को, यूजी चहल बीच में आते हैं और विकेट लेके राजस्थान को हमेशा मैच में ला देते हैं। बैंगलोर को देखो, बैंगलोर में एक मैच मेरे को याद आता है जहाँ पे हसरंगा ने बहुत सारे विकेट्स लेके मैच में ला दिया था टीम को, तो एक ऐसा स्पिनर चाहिए। पास में हमने इमरान ताहिर को देखा था जब वो चेन्नई के लिए आके विकेट लिया करते थे और मैच में ला दिया करते थे, तो वो ऐसा एक स्पिनर चाहिए चेन्नई को, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि मोइन अली और जडेजा कुछ इतने अफेक्टिव स्पिनर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ, बट ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मेरे हिसाब से ड्वेन ब्रावो ऑब्वियसली खेलेंगे, ड्वेन प्रिटोरियस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके साथ भी जाया जाएगा। बात करें जॉर्डन के बारे में तो लास्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सिर्फ 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट लिया था, तो वो भी खेलेंगे, लेकिन महेश चौधरी आई एम श्योर कि इस मैच से बाहर जाएंगे और उनकी जगह पर मैं चाहता हूँ कि राजवर्धन हंगरगेकर हमें देखने को मिले इस मैच में। बट उनके साथ साथ मैं महेश तिक्षणा को भी चाहता हूँ, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज ओवरसीज स्लॉट आप जानते हैं, मोइन अली, ब्रावो, प्रिटोरियस और जॉर्डन ही मेबी हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो राजवर्धन हंगरगेकर आप ऑलमोस्ट कंफर्म समझ सकते हो कि इस मैच में हमें खेलते हुए दिखेंगे, और अगर नहीं खेले तो मेरे हिसाब से चेन्नई की बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज आपने ऑलरेडी तुषार को मौका दिया, उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया, आपने महेश को भी मौका दिया, दोनों मैचेस में उनकी अच्छी खासी धुलाई हुई है। देखो अच्छे बॉलर्स हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, बट स्टिल अगर आपके पास और अच्छे ऑप्शन हैं तो आप उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो आई होप कि महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा, सीएसके की मैनेजमेंट राजवर्धन के साथ जाएगा। हैदराबाद को भी जीत की ज़रूरत है, मे बी इस मैच में वो भी बहुत सारे चेंजेस करके दिखाएंगे। कमेंट्स में लिखकर बताओ आपके हिसाब से इस मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है, और अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस ही थोड़ा, अब आपको जेब अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगा, कुछ लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।